अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के बयान से बढ़कर ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रईसी पर मैट मिलर का भड़काऊ बयान, दिखाइए जरा शॉर्ट्स के साथ। रईसी पर मैट मिलर का भड़काऊ बयान, रईसी के हाथ खून से सने थे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा। रईसी चार दशक से ईरान में बर्बरता का चेहरा, मैट मिलर ने कहा। रईसी ने ईरान के लोगों पर दमनकारी हथकंडे अपनाए, मैट मिलर ने कहा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रईसी के शॉट दिखाइए राहुल, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप फोर पर आइएगा। रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रईसी की उड़ान से पहली वेदर, पहले वेदर रिपोर्ट से छेड़छाड़, जो सिन्हा सर ने बताया। वेदर रिपोर्ट में 19 मई का डेटा गायब, बड़ी खबर। 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख, सैटेलाइट एक्सपर्ट का सोशल मीडिया पर दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर सनसनीखेज दावा, ये देखिए जरा। रईसी की उड़ान से पहले वेदर रिपोर्ट से छेड़छाड़, वो वेदर रिपोर्ट के शॉट दिखाइए बगल में। रईसी की उड़ान से पहले वेदर रिपोर्ट से छेड़छाड़, वेदर रिपोर्ट में 19 मई का डेटा गायब, सीधा आईएसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर सनसनीखेज दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। पहला दावा, ईरान अजरबैजान इलाके की वेदर रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई है, सिर्फ फ्लोर दिखाइएगा राहुल, दिखाइए जरा। जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए जो डिटेलिंग आ रही है राहुल। ऊपर अगर हो पाए तो क्रैश के शॉट्स भी दिखाइएगा, ये देखिए। पहला दावा, रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में सनसनीखेज दावा किया गया, ये देखिए। पहला दावा है ईरान अजरबैजान इलाके की वेदर रिपोर्ट में गड़बड़ी। दूसरा दावा, 19 मई का वेदर चार्ट गायब हो गया। तीसरा दावा, 18 मई के बाद 20 मई की वेदर रिपोर्ट। चौथा दावा, मोसाद हेलीकॉप्टर हैक करने में सक्षम। पांचवा दावा, हेलीकॉप्टर के नेविगेशन को भटकाना संभव है। बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे राहुल जरा पीछे स्काई रखिएगा, शार्प एंड क्विक रिएक्शन राहुल इस खबर की, ब्रेकिंग लीजिए राजन सर के पास। राजन सर, योर टेक। देखिए निशांत, इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कई हैं उनकी बातें चल रही हैं और सोशल मीडिया इससे काफी प्रभावित है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें एक तो कि सबसे पहला जिसकी बात आपने की कि अमेरिका पे, और अमेरिका निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि जो सैंक्शन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि सैंक्शन क्यों लगा, और जो ईरान में जो इस्लामिक रेगुलेशन हुआ क्या हुआ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहली बात ये। दूसरा कि इसराइल, अब ये जो घटना है इससे इसराइल को कभी भी निकलना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस ढंग से इसराइल ने घटनाएं की हैं ईरान में सुलेमानी के साथ या डमस्कस में, कुछ दिन पहले जो डिप्लोमेटिक जो उनके बिल्डिंग पे हमला किया, तो उससे शक की सुई हमेशा इसराइल और मोसाद पे जाएगा, उससे इसराइल को निकलना काफी मुश्किल होगा। लेकिन एक शक की सुई अंदर में भी है, जिसमें बताया जा रहा है कि खामेनेई जो कि वहां के सुप्रीम लीडर हैं, हमेशा आप जानते हैं कि कोई अगर क्राइम होता है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं सर, आप जस्ट होल्ड योर थॉट, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, ये वाला है मेरे पास जानकारी, सीधे आइए। फ्लोर ब्रेकिंग, रईसी की मौत में पश्चिमी देशों का हाथ, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन अमेरिका पर मौत की साजिश रचने का आरोप, पुतिन के करीबी शिमोन पेगोव का बड़ा दावा। रईसी की मौत में इजरायल या तुर्की का भी हाथ, यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में उड़ान से पहले छेड़छाड़, बड़ी खबर। सीधा ये राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रईसी की मौत में पश्चिमी देशों का हाथ, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रिटेन अमेरिका पर मौत की साजिश रचने का आरोप, ये देखिए जरा, जिन्होंने ये आरोप लगाया उनके भी शॉट दिखाइए, ये देखिए। पुतिन के करीबी शिमोन पेगोव का बड़ा दावा, रईसी की मौत में इजरायल या तुर्की का भी हाथ, यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में उड़ान भरने से पहले छेड़छाड़। रईसी की मौत, हत्या या साजिश,